आजकल पॉइंट्स नहीं देख रहा अल्लाह के बंदे, लेकिन मैच पहले Assalamualaikum and welcome back to my channel. तो आज 15 तारीख है और अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 4 हो रहे हैं और रेस्टोरेंट में मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम जा रहे हैं बर्लिन और मेरे साथ आज इस सफ़र में मौजूद है अवैस। तो अभी हमने ब्ला कार की भी है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी टाइम के लिहाज से हमें जल्दी वहाँ पर बर्लिन पहुँचाएगी। तो अभी हम ब्ला कार का इंतज़ार कर रहे हैं, वो तकरीबन 10 मिनट में वो गाड़ी आ रही है, तो उसके बाद हम रवाना होंगे बर्लिन की तरफ। तो ब्ला कार जो है इसमें हम फर्स्ट टाइम अभी ट्रैवल कर रहे हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल गाड़ी है, तो आज देखते हैं इसका सफ़र कैसा होगा। फिर बर्लिन में आज जाकर फर्स्ट टाइम हमने देखना है कि बर्लिन कैसा है, कैपिटल भी है जर्मनी का। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम, मेरा और अवैस का भी, हमारा फर्स्ट टाइम है आज बर्लिन का विज़िट। तो देखते हैं चल के बर्लिन कैसा है। अभी अपने ड्रेसन को यहाँ पर अलविदा कर रहे हैं और जल्द ही हम Berlin mein honge. I'm fed up with changes. Come pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. So अभी हम पहुंच चुके हैं बर्लिन एयरपोर्ट के बाहर, क्योंकि ब्ला जो कार है वो उसमें काफ़ी और पैसेंजर्स भी होते हैं, तो पहले भी उनको उतार रहे और फिर अभी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन। तो अभी हम पहुंच गए हैं बर्लिन और हमारा जो सफ़र था वो था 2 घंटे का। रेस्टोरेंट से हम निकले थे 4:30 बजे और यहाँ पर हम पहुँचे 6:30 बजे। तो हमने जो अपना ट्रैवल किया है, पिछली बार हमने 6 बस पे किया था जब हम प्राग गए थे, लेकिन एक यहाँ पर एक और सर्विस है ब्ला कार, और वो ये सर्विस है कि कोई भी प्राइवेट अपना अपनी गाड़ी लेकर अगर किसी किसी जगह पर जा रहा है तो वो उस तरीके से अपना जो है स्केड्यूल अपलोड करता है वेबसाइट पे ब्ला की। तो वहाँ से फिर हमने उसे कॉन्टेक्ट करके हमने अपनी सीट्स बुक करवा ली थी और ये काफ़ी अफोर्डेबल पड़ा है और हमें अपना जल्दी टाइम पर भी पहुँचाया है। अभी मैं मौजूद हूँ अलेक्जेंडर प्लाट्स पर, और हालांकि ये सिटी सेंटर नहीं है, लेकिन इसको देख कैसे लग रहा है कि ये यही सिटी सेंटर है। फाइनली अभी हमने ये डे टिकट ले ली है जो 24 घंटे वैलिड है, तो अभी हमें कोई मसला नहीं, ट्राम ट्रेन बस हम किसी में भी ट्रैवल करेंगे तो हमें बस ये अपना शो करेंगे। तो ये हमारी आगे है ट्राम और अभी हम इस पे बैठ के हम जाएंगे अपने अपने होटल। तो अभी फाइनली पहुंच गए हैं अपने होटल A&O और यहाँ पर आज हम स्टे करेंगे सुबह तक। तो अभी हम अपने होटल के रूम में आ गए हैं और ये हमें रूम अलॉट हुआ है, तो अभी चलते हैं इस रूम के अंदर। इसको ओपन, तो ये है रूम, यहाँ से काफी अच्छा व्यू भी है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। रात को जल्दी सो गए थे क्योंकि थके हुए आए थे ट्रैवल करके और रात को कुछ इतना कोई घूमने के लिए था नहीं। तो अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं बर्लिन में और इस होटल की चेकआउट जो है वो 10 बजे और अभी 10 बजे नाश्ता भी ख़त्म होना है, तो आधा घंटा हमारे पास बचा है नाश्ते के लिए, तो अभी चलते हैं नाश्ते के लिए।
तो ये हमारा नाश्ता है, ये हमने उठा लिया यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये भी इसको खा के फिर कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। तो काफ़ी अच्छा होटल है और काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट है और अभी जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। तो ये है मेरी कॉफ़ी और बिल्कुल रेडी है, तो अभी इस कॉफ़ी को पीते हैं इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ और फिर हम निकलते हैं बर्लिन एक्सप्लोर करने। ब्रेकफास्ट वगैरह करके और होटल से चेकआउट करके अभी हम आ गए हैं ट्राम स्टेशन पर और अभी यहाँ से हमारी ट्राम आ रही है तकरीबन 4 मिनट में। उसके बाद हम जाएंगे अलेक्जेंडर प्लाट्स और वहाँ से जो है बर्लिन की जो मेन बिल्डिंग्स हैं वहीं से नज़दीक हैं, तो अभी चलते हैं अलेक्जेंडर प्लाट्स। मौजूद हैं अलेक्जेंडर प्लाट्स पर और हमारे पीछे जो है ये है बर्लिन का फेमस टेलीविज़न टावर और काफ़ी ख़ूबसूरत इसका जो है ऊपर से टॉप व्यू से व्यू आता है पूरे बर्लिन का। लेकिन हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम अभी इधर जाएं, क्योंकि और भी काफ़ी प्लेसेस हैं जो भी बर्लिन में हमने देखनी है और आज 6 बजे हमारी वापसी भी है रेस्टोरेंट की। तो अभी हम बस इसको यहाँ से बैठ से देख रहे हैं। मेरे पीछे भी है राट हाउस, ये बर्लिन में पार्लियामेंट है और यहाँ से ही गवर्नमेंट जो है पूरे जर्मनी को रन करती है और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है और काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर वगैरह डिज़ाइन हुआ है। यहाँ पर एक और मज़े की बात यह है कि बर्लिन में आके मैंने मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पर फूड पांडा भी चलता है, जो कि मैंने पाकिस्तान में देखा है। टेलीविजन टावर से उसके बाद राट हाउस से और काफ़ी और भी 2-4 जगह से होकर अभी हम आ गए हैं ब्रैंडनबर्ग गेट। ये बर्लिन का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है और अभी यहाँ पर काफ़ी धूप निकली हुई और काफ़ी लोग आए हुए हैं। मैच का तो क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं देख रहा अल्लाह के बंदे, 5 ओवर टेस्ट मैच है यार, टेस्ट ओए यही तो ब्यूटी है टेस्ट की, तुझे क्या पता टेस्ट क्या होता है, देख नहीं रहा अभी इसके मैच की वजह से हम इधर बैठे हुए हैं। हम तस्वीर नहीं बना रहे अभी, कुछ भी नहीं किया अभी हमने जाना है और आगे और भी बड़ी प्लेसेस हैं अभी देखने की, लेकिन मैच पहले। यहाँ पर अभी ब्रैंडनबर्ग गेट के नीचे यूक्रेन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। ब्रैंडनबर्ग गेट से हम आगे हैं इस तरफ, ये साथ ही है रेस्टाग और ये जो है ये यहाँ पर बर्लिन की जो है पार्लियामेंट है और इसके जो व्यू है और जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर वगैरह डिज़ाइन है काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी रेस्टाग से बस पकड़कर हम आगे थे इधर और ये मेरे सामने जो है ये है विक्ट्री कॉलम और ये टावर बड़ा खूबसूरत है और इसके ऊपर जो मेन चीज़ है वो ये एंजल है और ये भी बर्लिन का एक ख़ास मेन पॉइंट है।
चेक पॉइंट चार्ली पर, और इसकी एक बड़ी अच्छी हिस्ट्री है। वो ये कि 1961 में यहाँ पर जब पार्टीशन हुई थी वेस्ट और ईस्ट जर्मनी के बीच में, तो यहाँ पर एक बॉर्डर था और इस बॉर्डर पे जो होल्ड था वो था अमेरिका के किसी सोल्जर का जिसका नाम था चार्ली। तो वो इस वॉर के बीच में उसकी डेथ होगी, तो उसकी वजह से इस पॉइंट का नाम जो है वो चेक पॉइंट चार्ली दिया हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यू है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये है वो अमेरिकन सोल्जर, इस वॉर में डेथ हुई थी और इसका नाम था चार्ली, तो इसी वजह से इस पॉइंट को कहा जाता है चार्ली चेक पॉइंट, और इसके ऊपर अमेरिका का फ्लैग भी है। तो अभी हम जा रहे हैं बर्लिन वॉल पर, और ये आज का हमारा आखिरी पॉइंट होगा क्योंकि इसके बाद हमने खाना पीना करना है कुछ, और उसके बाद फिर हमने 6 बजे वापस भी जाना है। तो ये है वो वॉल जो बॉर्डर था ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का। 1962 में जो है ये वॉल कुछ इस तरीके से थी कि यहाँ पर बिल्कुल रास्ते बंद किए हुए थे, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, और ये सारी इसकी जो भी हिस्ट्री है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब तो ये वॉल बिल्कुल ओपन है और यहाँ पर अब ये एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका हुआ है। अभी हम अंडरग्राउंड ट्रेन में बैठ के आए थे, हम आ गए हैं यहाँ पर, कुछ भूख लगी हुई है कुछ खाने पीने के लिए। कैसा लगा फिर खाना? जबरदस्त था, अंदर है ना, मतलब कि जितनी भूख लगी हुई थी ना सुबह से, चल गया मत बजी थी, जबरदस्त था। अभी खाना पीना कर लिया, सब कुछ घूम फिर लिया, हर चीज़ हो गई है, और अभी हमने जाना है वापस अपनी सिटी ड्रेसल। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, तो ट्रेन तकरीबन आ रही है 4 से 5 मिनट में, तो उसके बाद हम चले जाएंगे ड्रेसल। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि ब्लॉग पहले ही बहुत बड़ा हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।